पार्षद एकता संघर्ष समिति के बैनर तले पांच सूत्री मांगों को लेकर गैर भाजपा दलों के पार्षदों ने सोमवार को नगर निगम स्थित नगर आयुक्त के कक्ष के सामने धरना प्रदर्शन किया, जिसका नेतृत्व संघर्ष समिति के अध्यक्ष जावेद इस्लाम ने किया। धरना दे रहे पार्षदों का कहना था कि नगर निगम बोर्ड का गठन हुए 1.5 वर्ष हो चुके हैं, परंतु विकास कार्य पूरी तरह से ठप पड़ा है। इसके कारण महानगर वासियों को परेशानी हो रही है। महानगर की 70 वार्डों के अधिकतर सड़कें नाली जर्जर हो चुकी हैं। पार्षदों के प्रस्ताव वरीयता का कार्य प्रत्येक वार्ड में 40-40 लाख रुपए का कराया जाए, सफाई व्यवस्था पुरानी पद्धति कराई जाए और अंदरूनी वार्ड में अस्थायी सफाई कर्मचारी लगाया जाए तथा वार्ड में ठेके पर कार्य कराया जाए। नगर निगम के अधिकारियों की कमीशनखोरी बंद हो, पेयजल के संकट दूर किए जाएं, जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। पार्षदों का कहना था कि अगर इन सभी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो बुधवार को मंडलायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पार्षद दल के नेता जियाउल इस्लाम ने कहा, निगम बोर्ड का गठन हुए 1.5 वर्ष हो गए हैं और सीताराम जायसवाल जी को महापौर हुए भी 1.5 साल हो गए, मगर गोरखपुर महानगर का विकास पूरी तरह से ठप पड़ा है। 70 वार्डों की सड़कें और नालियां जर्जर हो चुकी हैं। शहर की जनता परेशान घूम रही है। एक ही बारिश के अंदर पूरा शहर जल जमाव से ग्रसित हो गया है। हम समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी और निर्दल पार्षद धरना देने का काम कर रहे हैं। लगातार नगर निगम के जो कार्यकारिणी के मेंबर है और माननीय पार्षद हैं बैठकों में अवगत करा रहे हैं, मगर महापौर और नगर आयुक्त के कान पे जुआ नहीं रेंग रहा है। आज हम लोग मजबूर होकर के आज सांकेतिक धरना देने का काम किए हैं और केवल ये धरना नहीं है, ये आंदोलन अब लगातार चलता रहेगा जब तक गोरखपुर के 70 वार्ड में 40-40 लाख रुपया विकास कार्य के लिए आवंटित नहीं हो जाता है और नगर निगम के अधिकारी निर्माण विभाग और सफाई कर्म के जो अधिकारी हैं वो कमीशन खोरी बंद नहीं कर देते हैं, तब तक ये संघर्ष चलता रहेगा। पेयजल का संकट पूरे शहर के अंदर खड़ा हो गया है। गोरखपुर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। आज हम सभी साथी धरना के माध्यम से गोरखपुर के नगर निगम के प्रशासन को अवगत करा रहे हैं, महापौर को अवगत करा रहे हैं और अगर सचेत नहीं तो हम लोग दो दो हाथ करने के लिए तैयार बैठे हैं। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि भाजपा के पार्षद तो वो सरकार के नाते दबाव में चुप बैठे हैं, उनकी भी आक्रोश फूटेगा आज नहीं को कुल। ये केवल सपा बसपा नहीं, ये कांग्रेस के लोग भी शामिल है। निर्दल पर आज 40 पार्षद इस धरने में बैठे हैं और टोटल पार्षदों की संख्या 70 है। इसलिए साफ होता है कि गोरखपुर महानगर के अंदर काम रोक दिया गया, विकास पूरी तरह से ठप हो गया है। हमारी रणनीति है कि बुधवार को हम लोग कमिश्नर को क्या प्रदर्शन करके उनको अवगत कराने का काम करेंगे, फिर 3-3 पार्षद धरना देंगे डेली, उसके बाद भी काम नहीं बना, हम लोग की मांगे नहीं पूरी की गई तो हम लोग अमर अनशन करने को लिए भी बाध्य हो जाएंगे। मैं उनसे कोई वार्ता नहीं, उनको वार्ता करना होगा तो धरने स्थल पे आके स्वयं वार्ता करेंगी।